how to improve muscular imbalance. So what is muscular imbalance? Agar aapki ek arm dusri arm se thodi si big hai, jo obviously hogi mostly people ki, agar aap kisi apna right hand dominant ho, right hand ke sath mostly apne work karte ho, to left arm aapki thodi si kam hogi. Mere khayal mein agar aap right hand dominant ho and jo aapki right side left side se thodi si badi hogi. In my case ये तो है, मेरी लेफ़्ट आर्म काफ़ी छोटी होती थी मेरी राइट आर्म से, अराउंड मेरे ख्याल में हाफ और लाइक अराउंड हाफ और वन इंच के बीच में डिफरेंस होता था. मेरी राइट आर्म उतनी बड़ी होती थी लेफ़्ट आर्म से. मेरी जो लेफ़्ट लेग थी, मेरी लेफ़्ट क्वाड था जो, उसकी जो मेजरमेंट थी अराउंड हाफ और वन इंच जो मेजरमेंट थी मेरी राइट क्वाड की, वो लेफ़्ट से ज़्यादा होती थी. सो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए, टू गेट रेड ऑफ दैट थिंग, आई डिड सम स्टफ एंड जिन्होंने काफ़ी हद तक मुझे मैं कहूँगा कि बेनिफिट की दिया है. सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, बट दीज आर सम थिंग्स आई हैव ट्राइड एंड मेरे में वो चेंज आया है. सो आई टेल यू गाइस सम थिंग्स, बट बिफोर दैट मेरे में क्या चेंज आया है. मेरी राइट आर्म जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़ी होती थी, अभी मेरी जो लेफ्ट एंड राइट आर्म में बाइसेप्स में अगर उसको मैं फ्लैक्स कर देखता हूँ तो उसका डिफरेंस है 0 इंच टू 1/2 इंच के बीच में, जो उसका मिडल पॉइंट होगा आप कह सकते हो 1/4 इंच उतना डिफरेंस है. ओके सो वो मेरी राइट एंड लेफ्ट आर्म में डिफरेंस है, एंड वो भी इस टाइम जो मेरे रिसेंट मेजरमेंट में इसलिए आया बिकॉज मैं जब लीन हो जाता हूँ, मेरी ये आर्म पहले लीन होती है, ये मैंने नोटिस किया है. जब मैं गेन कर रहा था मेरी दोनों आर्म्स अराउंड 15.2 इंचेस थी. सो अभी रिसेंटली जो मैंने मेजरमेंट ली थी उसमें मेरी ये आर्म 15.1 आई है एंड ये अराउंड 14.9 to 15 के बीच में आई है. एंड मेरी लेफ्ट लेग क्वाड एंड राइट क्वाड में जो 1/2 इंच का डिफरेंस था टिल नाउ, दोनों की मेजरमेंट 23.2 इंचेस है. सो मेरी जिस पॉइंट पे मैं मेज़र करता हूँ एटलीस्ट उस पॉइंट पे मेरी दोनों जो लेग्स हैं अबाउट द सेम सर्कमफ्रेंस पे हैं. मे बी मेरी लेफ्ट लेग अभी भी थोड़ी सी क्वाड मेरा थोड़ा सा स्मॉल होगा, बट बहुत ही ज़्यादा माइनर डिफरेंस है. सो मैंने क्या किया इन ऑर्डर टू ब्रिंग बोथ द क्वाड्स एंड बाइसेप्स टू द सेम साइज. सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने की थी वो थी कि आई इंक्लूडेड यूनिलैटरल वर्क फॉर माई आर्म्स एज वेल एज माई क्वाड्स. सो फॉर आर्म्स मेरी मोस्टली मूवमेंट्स यूनिलैटरल हो गई थी. सो फॉर टू मूवमेंट्स मैं कर रहा था, अभी जो मैं रिसेंटली कर रहा हूँ वो टू मूवमेंट्स हैं, क्या इंक्लाइन डम्बल कर्ल्स जिनमें मैं सेपरेटली डम्बल से वर्क करता हूँ, एंड कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स लाइक ऑन नॉट कर्ल्स जिनमें मैं सेपरेटली वर्क करता हूँ अपनी बाइसेप्स दोनों आर्म्स को. और उससे पहले मैं बेजियन फ्लाइज कर रहा था केबल के साथ जिनमें मैं सेपरेटली आर्म को वर्क करता था. सो जब मैंने यूनिलैटरल वर्क इंक्लूड किया उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, बिकॉज अगर आप जब बायलैटरल वर्क कर रहे हो, जब दोनों अगर आप बारबेल कर्ल कर रहे हो, सो पॉसिबल चांसेस है कि जो आपकी डोमिनेट आर्म है वो डोमिनेट करेगी व्हेन यू विल बी डूइंग द मूवमेंट, एंड जो लेफ़्ट आर्म अगर आपकी वीकर है तो क्या होगा कि आपकी लेफ़्ट आर्म कम ही स्टिमुलस लेगी, बिकॉज उस मूवमेंट में पॉसिबल है कि आपकी डोमिनेट आर्म ज़्यादा वर्क लेगी. सो अगर आप यूनिलैटरल वर्क इंक्लूड करोगे तो उससे क्या होगा कि दोनों आर्म्स अपना सेम लेवल ऑफ वर्क करेंगी. सिमिलरली मैंने फॉर माय क्वाड्स मैंने लेग एक्सटेंशन, सिंगल लेग एक्सटेंशन, यूनिलैटरल लेग एक्सटेंशन इंक्लूड किया. अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते थे तो आपने देखा होगा कि मैं सिंगल लेग एक्सटेंशंस करता था, एंड मैं फॉर्चुनेटली कहूँगा कि मैंने स्क्वाट करना मुझे बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ माई लोअर बैक पेन, एंड उसके कारण मैंने स्प्लिट स्क्वाट्स इंक्लूड किए जिनमें आप एक लेग आपकी ग्राउंड पे होती है, सेकंड लेग बेंच पे होती है. सो उसमें भी मैं यूनिलैटरल वर्क कर रहा था अपने क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए. सो दो मूवमेंट्स मैं यूनिलैटरल वर्क के लिए कर रहा था. सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग मेरी जो दोनों आर्म्स थी एंड दोनों मेरी लेग्स थी वो सेपरेटली वर्क कर रही थी, एंड स्ट्रोंगर पार्ट के डोमिनेट करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, राइट. सो अनदर थिंग दैट आई डिड वाज कि मैं जब भी वो वर्क स्टार्ट करता था तो मैं अपनी वीकर साइड से स्टार्ट करता था. सो अगर मैं इंक्लाइन डंबल स्कल कर रहा हूँ दिस टाइम, सो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इस साइड से स्टार्ट करूँगा. सो इसके जितने रेपिटेशन, अगर मैं 10 kg कर रहा हूँ, इसके मैंने 11 रेपिटेशंस किए, 1 rep शॉर्ट ऑफ फेलियर. सो मैं इसके 11 रेपिटेशंस किए, बट अगर मैं इसके कर रहा था, इसके मैंने 11 रेपिटेशंस कर लिए बट मेरे अभी 2 रेपिटेशंस पड़े थे, बट मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूँगा.
तो इससे क्या होगा कि विद टाइम इसको थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ मिला, आप कह सकते हो ये ज़्यादा क्लोज टू फेलियर थी, जो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, बट वॉल्यूम सेम था। एंड विद टाइम में भी इसका आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ग्रोथ कम होगी, इसकी थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और विद टाइम ये खुद ही अपना साइज़ सेम कर लेंगी। और इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो जो मैंने कभी कभी की है, कि मैं क्या करता था कि इस साइड को मैं थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम देता था। सो अगर मैं यूनिलैटरल वर्क कर रहा हूँ बाइसेप्स के लिए, सो अगर मैं 4 sets, 8 sets कर रहा हूँ अपनी बाइसेप्स के लिए, एंड बाकी का वर्क मैं अपनी पुलिंग मोमेंट से ले रहा हूँ जो मैं बैक के लिए करता हूँ, सो 8 sets कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा, मैं इसके 8 sets करूँगा एंड इसके 9 sets करूँगा। सो इससे क्या होगा, वी नो कि वॉल्यूम इज़ द मेन ड्राइवर ऑफ हाइपरट्रॉफी। सो इसके लिए क्या होगा कि अगर इसके मैं 9 sets करूँगा, इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी एंड इसकी 8 sets की ग्रोथ होगी। सो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी एंड विद टाइम इसकी ग्रोथ जितनी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होकर इसकी ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि वो इसके बराबर में आ जाएगी। सिमिलरली फॉर योर लेग वर्क, मैं ऐसे ही करता था, मैं लेग एक्सटेंशन करता था तो मैं वीकर बॉडी पार्ट से स्टार्ट करता था एंड उसको मैं तब तक ही करता था, लाइक इफ़ आई एम डूइंग इट फॉर 1 shot of failure, एंड राइट लेग को मैं तब तक ही करूँगा जितने मैंने रेपिटेशन, अगर मैंने लेफ्ट लेग से 10 repetitions किए हैं तो इससे भी मैं 10 repetitions ही करूँगा, RP चाहे इसका 8 हो एंड लेफ्ट का 9 हो। सो दीज आर द टेक्निक्स जो मैंने यूज़ की एंड इसको मैं करता गया एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप कहोगे कि यार अब एक मंथ में हो गया। आई वुड रेकमेंड कि आप इसको इंक्लूड कीजिए एंड इसको करते जाइए एंड फॉरगेट अबाउट इट। आपने ये यूनिलैटरल वर्क इंक्लूड किया, वीकर बॉडी पार्ट से शुरू किया एंड वीकर बॉडी पार्ट को मे बी 1 set ज़्यादा दिया था, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया 8 sets फॉर राइट आर्म, 9 sets फॉर लेफ्ट आर्म, एंड विद टाइम इसको करते रहिए, डोंट वरी अबाउट इट, एंड मे बी आफ्टर देन 4 weeks, 5 months, होपफुली जब आप अपनी आर्म्स को मेज़र करने लगोगे जो सेम साइज़ की हो जाएंगी, या अपनी लेग्स के क्वाड्स को मेज़र करने लगोगे ये सेम साइज़ की हो जाएंगी। सो देयर वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, एंड अगर आप में कोई भी ये इशू है मस्कुलर इम्बैलेंस का, आई एम वर्किंग ऑन इट, यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन इट। ये जो मैंने टिप्स दिए हैं इनको अप्लाई कीजिए एंड ये शॉर्टली आपको हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर मस्कुलर इम्बैलेंस। दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, कमेंट में मैंशन कीजिए कि आपको कैसी लगी है, एंड मेक श्योर टू शेयर इट इफ यू हैव लाइक्ड इट। आई लव यू ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।